बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ओवर प्रोटेक्टिव मदर है, जहाँ बच्चे भी उसे बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं, गलत परसीव कर रहे हैं कई बार उसे, क्योंकि हर चीज़ में उसकी नोकझोंक रहती है। आई थिंक प्यार बहुत करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वहाँ उसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। दैट्स माय कैरेक्टर। आपके भी पेरेंट्स से आपको कभी कंप्लेन होगी कि डैड पूरा दिन सुबह से जाते हैं, रात को आते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं, कभी बाहर नहीं ले जाते हैं, तो वो आई थिंक इट्स ऑल द प्रॉब्लम्स पुट टुगेदर एंड हाउ वी ट्राई टू सॉल्व इट एंड व्हाट कैन वी डू। शो देखकर शायद, मतलब घर में जब आप हमारी फैमिली देखेगी तो शायद कहीं ना कहीं ये किरदार आपके बहुत नज़दीक हैं, अपने घर के किरदार आपको लगेंगे। कई बार हम लोग एक साथ रहते हैं पर दूसरे को क्या कहना है या दूसरा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है इस बारे में हमें पता नहीं चलता। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। ऑनेस्टली इट्स नॉट ओनली फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, हम लोग उसी दिन कल ही बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बिल्डिंग के जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, एवरीबडी इज आस्किंग अस, आउटसाइड ऑल्सो पीपल आस्किंग अस, सिंह सर आपका शो कब आने वाला है, कब आने वाला है। लकीली अब इन्होंने डेट दे दी है, 15 जून से आ रहा है, तो प्लीज वॉच। या लोगों के लिए भी एक अलग कॉम्बिनेशन भी है एंड प्रोमो से लग रहा है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं एंड यू नो दे आर देयर आल्सो इन द प्रोमो। हां तो it's not a story about only you know two people, but it's a story about how the entire family entire. Yeah, pura aapke character ke bare mein baat kare to character pura glimpse bata diya chote se ke aapka character hai। Pallavi ka character hai ek jo ek strong mother hai aur bahut hi strong aur overprotective mother hai, जहाँ बच्चे भी उसे बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं, गलत परसीव कर रहे हैं कई बार उसे, क्योंकि हर चीज़ में उसकी नोकझोंक रहती है। तो या शी इज़ अ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव मदर। मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही नोन शेफ का है, जिसने लाइफ में बहुत अचीव किया है, पर कहीं ना कहीं करियर के यू नो इस मुकाम पर जहाँ वो अचीवमेंट में इतना घुस गया है, उसके इमोशंस कहीं मारे गए। इट्स नॉट दैट ही डजंट लव हिज किड्स, आई थिंक प्यार बहुत करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वहाँ से बड़ी डिफिकल्टी होती है। दैट्स माय कैरेक्टर। आपकी कैरेक्टर की बात करें, आप शेफ का रोल करें, तो आपने कुछ वर्कशॉप लिए थे? हाँ, मैं बिल्कुल बना लेता हूँ, कई चीज़ें बना लेता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एज ए शेफ इट्स अ डिफरेंट थिंग। जो आप बनाते हो और जो वो, उसके लिए हमें बाकायदा ट्रेनिंग ही दी गई थी, आई थिंक 2 दिन की ट्रेनिंग थी, एंड नावेद हैड कम द होल डे, देयर वाज अ शेफ कॉल्ड नावेद, ही हैड ट्रेन्ड अस, व्हिच वाज अमेजिंग बिकॉज कई चीज़ें सिखाई उसने, किस तरह से सब्जियों को काटा जाता है वो भी सीखना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट बेसिकली द कटिंग, द स्टाइल्स एंड द वे यू कट इट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कटिंग्स फॉर एवरी वेजिटेबल्स, तो वो सिखाया, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। यार शो के अलावा बात करें तो मुझे आपकी दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है, क्या बोलूं कि बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहिए ऑफ एंड ऑन सेट? I think we get along pretty fine and we are like we've gotten to know each other more now and we are more like friends, तो हम discuss कर पाते हैं, इसीलिए हमने पहला scene किया था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था पहला scene है, because since we have become friends, बड़ी आसानी से निकल गया वो, बहुत in fact ज़्यादा जल्दी हो गया हमसे वो scene because of that, so yeah we are actually you know getting along very 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 well। रेवोल्यूशन तो हम नहीं कहेंगे बिकॉज हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं हर किसी ने डिवोर्स लिया। हमारा मैसेज सिर्फ यही नहीं है कि हम अगर सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे, हमारा मैसेज ये भी है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स उठते हैं, सिर्फ इनके लाइफ में नहीं, मेरे लाइफ में नहीं, हमारे बच्चों के लाइफ में क्या होता है, किस तरह से अपब्रिंगिंग इनकी अलग है मेरी अलग है, वो तो हर किसी घर में होती है। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का डिवोर्स हुआ है, पर अगर आप नॉर्मली एक घर में रहते हैं, शायद आई एम श्योर आपके भी पेरेंट्स से आपको कभी कंप्लेन होगी कि डैड पूरा दिन सुबह से जाते हैं, रात को आते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं, कभी बाहर नहीं ले जाते हैं, तो वो आई थिंक इट्स ऑल द प्रॉब्लम्स पुट टुगेदर एंड हाउ वी ट्राई टू सॉल्व इट एंड व्हाट कैन वी डू। क्या हम उनको यू नो वो देंगे, हम अपने आप को वो सेकेंड चांस देना चाहेंगे बच्चों के लिए या नहीं देना चाहेंगे, वो भी तो एक मिस्ट्री है, वो तो हमें भी नहीं पता अभी। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कोई रिवोल्यूशन लाने की ये नहीं है, पहल नहीं है, पर
शो देखकर शायद मतलब घर में जब आप हमारी फैमिली देखेगी तो शायद कहीं ना कहीं ये किरदार आपके बहुत नज़दीक हैं, अपने घर के किरदार आपको लगेंगे। कई बार हम लोग एक साथ रहते हैं पर दूसरे को क्या कहना है या दूसरा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है इस बारे में हमें पता नहीं चलता। तो शायद ये शो देख के ऐसा होगा कि नहीं, माँ बाप अगर कुछ ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो उसके पीछे उनकी कंसर्न होती है। तो शायद ये थॉट आज के बच्चों में बहुत कम है, तो वो आ सकता है। USPs की यही है, इट्स नॉट अ यू नो, मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ नॉर्मल सीरियल। ऐसा नहीं है कि आप जो पहले देखते थे कि ये कहानी है, यहाँ ऐसा होगा। ठीक है, हम आपको नॉर्मल प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की चीजें दो, एक माँ और एक बाप अलग तरीके से जिस तरह से ब्रिंग अप करने की कोशिश करते हैं, किस तरह हमारे वैल्यूज अलग हैं। हमारी USP सिर्फ यही नहीं है कि ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। हमारी USP आई थिंक द होल कास्ट एंड द स्टोरी, हमारी USP पूरी चीज है इन टोटैलिटी। Please watch our show. It's being aired on June 15, Monday to Friday, 10 p.m. and on Sony. And please appreciate our work because we've really worked hard and we are doing something absolutely different only for you guys.